पिछले साल Xiaomi ने लॉन्च किया था मी वॉच रिवॉल्व को। इसके रिव्यू को काफी व्यूज मिले थे हमारे चैनल के ऊपर, काफी एंटिसिपेशन तो था, लेकिन हमारे वर्डिक्ट के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि इस वॉच को हम लोग एक स्मार्ट वॉच नहीं कह सकते, इसको एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर कह सकते हैं। तो इस साल Xiaomi ने लॉन्च किया है मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव को। इसके ना थोड़े एक्टिव फिटनेस ट्रैकिंग मेजर्स तो उन लोगों ने लिए हैं, फीचर्स भी दिए हैं, साथ में ही जो स्ट्रैप है उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर एलेक्सा इंटीग्रेशन है। तो क्या ये वॉच आपको खरीदनी चाहिए और ये दिखती कैसी है, इसको हम देखेंगे इस अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट 360 हिंदी और ये है हमारी अनबॉक्सिंग मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है पहली नजर मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव के बॉक्स की तरफ। ये बॉक्स काफी हद तक क्लीन सा है और इसके ना थोड़े स्पेसिफिकेशंस पहले ही आपको बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 3.53 सेंटीमीटर का एमोलेड टच स्क्रीन। साथ में ये वॉच केपेबल है SPO2 मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग की। इसके अलावा इसके अंदर 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स हैं, इसके अंदर लंबी बैटरी लाइफ है और ये सपोर्ट कर लेता है 5 एटमोस्फियर्स तक वाटर रेजिस्टेंस। और साथ में ही एंड में दिया हुआ है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टार्ट और पॉज वर्कआउट डिटेक्शन भी है। बाकी का डब्बा काफी हद तक रेगुलर ही है, लेकिन इसके अंदर जो प्राइस टैग है वो बताया जा रहा है 14,000 रुपए का बॉक्स के ऊपर। चलिए अब इसका जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको हटाते हैं और पहली लुक डालते हैं मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव के ऊपर। तो खोलते हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी देखने को मिल जाती है और यहीं पर ही मेंशन है कि ये अमेज़न एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके ना और इंस्ट्रक्शंस है कि आप इस वॉच को कैसे सेटअप कर सकते हो पहली बार। अब आ जाती है वॉच। वॉच मेरे हिसाब से तो काफी सुंदर है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का इसका स्ट्रैप है और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा माइक्रो टेक्सचर भी दिया हुआ है, बहुत छोटा सा टेक्सचर है और हाँ ये काफी हद तक ग्रिपी भी है हाथ के ऊपर जब आप इसको टच करते हो। अब बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की तरफ देखते हैं तो इस लिड को उठाने के बाद हमें दिखता है कि इसके अंदर एक वायरलेस चार्जर है। अब इस वायरलेस चार्जर के अंदर आपको दिए हुए हैं मैग्नेट्स दो पोवो कनेक्टर्स के साथ में, जिससे कि आप जो वॉच है वो सही ओरिएंटेशन में हमेशा डाल सको। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका मैग्नेट काफी स्ट्रांग है। तो अब इसके डिस्प्ले की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ है 1.39 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और साइड में उसके दो बटन्स है, एक आपको एकदम होम स्क्रीन पे ले जाता है और एक आपको इस वॉच के स्पोर्ट्स मोड्स दिखा देता है। चलिए इस वॉच को आप स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हम लोगों को दिखाया जा रहा है एक प्रॉम्प्ट जो हमें बोल रहा है कि इस वॉच को अब सेटअप करने का टाइम आ गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसको मी वेयर ऐप की जरूरत है पेयर करने के लिए और हम लोगों ने इसको ब्लूटूथ के साथ में पेयर करके ऐप के अंदर भी पेयर कर दिया है। जो पेयरिंग प्रोसेस है वो हमारे हिसाब से तो काफी इजी था, ये आपको थोड़ा यूज्ड टू भी कर देता है बटन्स के साथ में और विजेट्स के साथ में, इसके ना जो जेस्चर नेविगेशन है उसके साथ में भी। अब हम लोगों ने जैसे ही इस वॉच को सेटअप किया था इसके बाद हमें एक अपडेट देखने को मिला था, तो हम लोगों ने इस अपडेट को भी इंस्टॉल किया है इस वॉच के अंदर। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस वेयर ऐप के अंदर आपको अमेज़न एलेक्सा इंटीग्रेशन दी हुई है, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। अब वॉच के पीछे की तरफ देखते हैं, ये जो कलर स्कीम है ये थोड़ी सी डार्क है पीछे की तरफ और इसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेंसर्स दिए हुए हैं। तो साइड की तरफ आपको दो सर्कुलर पोवो पेन कनेक्टर्स तो दिखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर हार्ट रेट सेंसर्स हैं और SPO2 सेंसर्स भी दिए हुए हैं पीछे की तरफ। हमारे हिसाब से जो वॉच है काफ़ी लाइट है, सिर्फ 32 ग्राम की है और वो तो सिर्फ उसके मेन वॉच की जो बॉडी है उसी का वेट होगा। जो स्ट्रैप है वो तो काफ़ी पतला लग रहा है हमें और हल्का भी लग रहा है। चलिए अब आपको इसका UI दिखाते हैं। तो अगर आप लेफ्ट में स्वाइप करोगे तो आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग दिखेगी और थोड़ा लेफ्ट में स्वाइप करोगे तो स्ट्रेस मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपके पास है स्लीप मॉनिटरिंग और फाइनली एक बड़ा सा ओवरव्यू आपकी एक्टिविटी का, तो आपने कैलोरीज कितनी बर्न की है, स्टेप्स कितनी लिए हैं वगैरह वगैरह। अब होम बटन दबाते हैं और इसके क्विक कंट्रोल सेंटर की तरफ देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में वही फेमिलियर चीज़ें तो हैं, साथ में ही आप अपनी SPO2 मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। ये वाला फीचर पिछले मी वॉच रिवॉल्व के अंदर मिसिंग था और ये हमारे हिसाब से एक वेलकम एडिशन है। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग जब इसे मेजर करते हैं तो हमारी जो रीडिंग है वो कुछ 98% पे आती है, जो रेगुलर
SPO2 एक हेल्दी पर्सन के अंदर माना जाता है। अब अगर आइकॉन्स के बारे में बात की जाए तो मोस्टली ये पहले से ही उठाया हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है इसके अंदर और वो है एलेक्सा इंटीग्रेशन। फाइनली इसके बारे में बात करते हैं। वॉच के अंदर आपको एक स्पीकर नहीं दिया है, तो जब भी आप कोई भी क्वेरी पूछते हो तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाया जाता है। व्हाट इज द वेदर लाइक? ये हमारे हिसाब से तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आप हमेशा तो अपनी वॉच को सुन नहीं सकते हो, तो अगर आप टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो और अगर आपने कोई क्वेरी पूछी उसका आंसर टेक्स्ट फॉर्म में दिया जा रहा है तो काफी हद तक एक्सेप्टेबल होता है। अब हम लोग श्योर नहीं है कि हम इसके साथ में मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं या नहीं अपने वॉइस के साथ, तो वो जानने के लिए भी आपको हमारे फाइनल रिव्यू तक रुकना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक मी वॉच रिवॉल्व की तरफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स के जरिए बताएं, और ये भी याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadget360.com पे।